ये देखो अम्मा, इस लड़के को है ना हमने ऐसा दो या चार भूसे मार के ना इसको घर भेजा था। हाँ बहुत हमने इसको मारा। और ये वाला देखो, इसकी तो हमने जो है ना बस रहने दे, देख ली मैंने सारी कुछ देख लिया। वैसे एक बात समझ नहीं आई अल्फू मुझे कि तुझसे डरता कौन होगा? मुझे नहीं लगता कि तू कोई बदमाश है। किसी बातें कर रही हो अम्मा, हैदराबाद जाके ना मेरा नाम लेके पूछ लो, सब बता देंगे क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, ठीक है ना? दो दफा मेरे ऊपर गोली चली है और कातिलाना हमला हुआ है, कातिलाना हमला। तुझ पे दो बार गोली? हाँ जी, दो बार, टू टाइम्स, टिशुक टिशुक। अरे कौन था वो आंखों का अंधा जो आग की तरह पैसा बहा रहा था गोली के नाम पे तुझ पे है? तू तो एक छुरे की मारता है, यूं मारो ठस करके गिर जाएगा बस। अब तू ना मेरे को हल्का ले रही हो अम्मा। अबे कहां गेंडे किसी चर्बी है, तू हल्का होने वाला है बोला है? अच्छा चल छोड़, ऐसा कर कोई ऐसी कहानी सुना जिससे मैं इंप्रेस मार्केट हो जाऊं। अच्छा सुनो फिर। एक दफा उस्ताद के ऊपर शक्कर के गैंग ने हमला कर दिया। हाँ, अब मैं और उस्ताद और मैं अकेले गाड़ी के अंदर, और जो उन्होंने फायरिंग शुरू की है ना अम्मा, पूछो नहीं। अरे ना ना बता, ना बता, ना बता। नहीं पूछो। अच्छा चल बता। तो फिर क्या हुआ अम्मा? कि मेरे अंदर बहादुर जागा, बदमाश अल्फू। मैंने कहा उस्ताद तुम ना गाड़ी को लेके घर को जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, मैं अल्फू। और फिर दो दिन तक उनको अकेले मैंने संभाला है वहाँ पे। दो दिन तक बगैर कुछ खाए पिए रोजे में फायरिंग कर रहा था। वाह वाह, यही तो प्रॉब्लम है तुम कॉमन लोगों का। तुम लोगों को लगता है हम गैंग वालों की ना कोई फीलिंग्स नहीं होती, पूरा रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है ना? वहाँ पे जैसे ही खाने का वक्त हुआ दस्तरखान लगता है, वो आए हम आए यहाँ पे फैमिली को कैसे ठीक हो, सबने खाना वाना खाया, जैसे ही खाना खाया बंदूक उठाई अपनी अपनी जगह गए, फायरिंग शुरू। अबे बस बस, दो दिन तक तू फायरिंग करता रहो और किसी ने फायरिंग की आवाज ही नहीं सुनी। वाह वाह वाह, ये बात समझ नहीं आई मेरी। हाँ जंगल में हो रहा था ना अम्मा, शेर के अंदर बैठ के थोड़ी फायरिंग करते हैं कभी, वहाँ जंगल में कोई आता जाता ही नहीं, हम जैसे बस दो चार बहादुर गुजरते हैं वहाँ से। अब तू मेरी बात सुन, ये बातें तो सारी होगी सेड में, अब तू अगर मेरा एक काम कर दे तो मैं मानू कि तू अल्फू है। बोलो बोलो। ऐसा कर कि ये जो इखलाक और नवाब है ना, ऐसा टाइट कर, ऐसा टाइट कर इन्हें कि मैं मान जाऊं कि तू भी बदमाश है। इतनी सी बात नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो मेरा लेफ्ट फिंगर का काम है। अबे पहले दांत तो बंद कर कमबख्त मारे लेफ्ट फिंगर, अबे इस लेफ्ट फिंगर को हिला और काम कर। एक इखलाक को इतना डरा दे कि तेरा नाम सुन के सुसु कर दे वो। डन। हाँ लेकिन घर में सुसु होगी तो सफाई तुमको करनी पड़ेगी अम्मा। अबे चुप। अच्छा अम्मा ये वाला देखो ना, वो तो बात अधूरी रह गई। ये लड़का है ना, ये जब हमने उठाया ना इतना भारी था मैं ही उठ गया। छोड़ी लपेटी दबो जाएगा जा रहा हूं मैं। ओए ओए होए होए खुर्शीद बेगम, तुम्हारे दिमाग का तो क्या कहना, अब जो इखलाक पाओ में आके गिरेगा अम्मा बचा लो अल्फू से तो ओए होए होए मजा ही आ जाएगा। वो नवाब अलग धुलेगा, फिर सरवरी तेरे से तो मैंने वो बदले लिए हैं कि तू क्या याद करेगी, अब तू भुनेगी घर में बैठ के कि आखिर किसने छोड़ा। ओए